दिवाली की रात तबाही मचा सकता है चक्रवात सितरंग। इन राज्यों में है बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान सितरंग का पश्चिम बंगाल में असर धीरे धीरे दिखने लगा है। कोलकाता समेत कई जिलों में रविवार को बादल छाए रहे। पूर्वी मैदानपुर में कई जगह हल्की बारिश हुई। सितरंग बंगाल के तटीय इलाकों खासकर सुंदरबन में भारी तबाही बरपा सकता है। बंगाल की खाड़ी में तैयार हुआ चक्रवाती तूफान सितरंग तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा है। 25 अक्टूबर को इसके पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की आशंका है। इसकी वजह से कई इलाकों में दीपावली के दौरान भारी बारिश होने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में आज हम आपको इस तूफान से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी देंगे, बताएंगे कि ये चक्रवाती तूफान सितरंग क्या है और कितना खतरनाक हो सकता है, इसका कितना असर होगा, कहां कहां लोग प्रभावित होंगे, आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा, ये जानते हैं। चक्रवाती तूफान सितरंग बंगाल की खाड़ी में तैयार हुआ है। इस तूफान का नाम थाईलैंड ने दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी के ऊपर डिप्रेशन उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है, जो कि एक डीप डिप्रेशन में बदल गया है। अब यह है पोर्ट ब्लेयर से लगभग 580 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, सागर द्वीप से 1700 किलोमीटर दक्षिण में और बारिसल बांग्लादेश से 830 किलोमीटर दक्षिण में केंद्रित होगा। इस तूफान के 25 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट से टकराने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस दौरान 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बारिश होने के आसार हैं। सबसे ज्यादा असर सुंदरबन और पूर्वी मैदानपुर के तटीय इलाकों पर पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सितरंग 2 साल पहले आए अम्फान तूफान जैसा खतरनाक नहीं होगा, मतलब इससे ज्यादा तबाही नहीं होगी, ये बड़ी राहत की बात है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों के साथ साथ उड़ीसा के पुरी, जगत सिंहपुरी, केदारपाड़ा, भद्रक, बालेश्वर, भयंसूर, जाजपुर, क्योझर, कटक और खुदरा जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विशेष राहत आयुक्त पीके जेना ने कहा, हमने 8 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, राज्य इस चुनौती से निपटने को तैयार है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 23 से 26 अक्टूबर के बीच ओडिशा तट और पश्चिम मध्य प्रदेश व उत्तरी बंगाल की खाड़ी में जाने से मना किया है। दोनों राज्यों की सरकारों ने भी तटीय इलाकों को खाली कर लिया है और आपदा प्रबंधन यूनिट को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। दिवाली की रात तबाही मचा सकता है चक्रवात सितरंग। इन राज्यों में है बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान सितरंग का पश्चिम बंगाल में असर धीरे धीरे दिखने लगा है। कोलकाता समेत कई जिलों में रविवार को बादल छाए रहे। पूर्वी मैदानपुर में कई जगह हल्की बारिश हुई। सितरंग बंगाल के तटीय इलाकों खासकर सुंदरबन में भारी तबाही बरपा सकता है। चक्रवात सितरंग से जुड़े पल पल के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे